12 निवेशकों के धरने का 29वां दिन। यहाँ दोस्तों एक कम 40 दिन हो चुके हैं। सीतापुर धरने पर 39 दिन हो गए, परंतु सहारा इंडिया लिमिटेड परिवार द्वारा संचालित विभिन्न सोसाइटियों और कंपनियों में निवेशकों का काफ़ी पैसा जमा है, परंतु कंपनी द्वारा अभी तक भुगतान की कोई भी पहल नहीं की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं स्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारे से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों आज भी एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए, जो अपडेट हम आपके लिए लेकर आए वो सीतापुर लखनऊ की है। सीतापुर धरने पर 39वां दिन हो गया, परंतु सहारा इंडिया लिमिटेड परिवार द्वारा संचालित विभिन्न सोसाइटी और कंपनियों में निवेशकों का काफ़ी पैसा जमा है, परंतु कंपनी द्वारा अभी तक भुगतान की कोई भी पहल नहीं की गई है। शासन से कोई आश्वासन व संदेश भी नहीं मिला है। भुगतान अब प्रारंभ होगा, कब प्रारंभ होगा, भुगतान होगा या नहीं होगा, कम से कम कोई बात तो बतानी चाहिए। परंतु सहारा इंडिया को ज्ञापन दिए हुए 10 दिनों से ज़्यादा समय हो गया है। सहारा इंडिया निवेशकों को बेवकूफ़ बना रही है। लोग अब काफ़ी परेशान व विचलित हो रहे हैं। अपनी ही जमा धनराशि के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जमा धनराशि परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। जिस शासन को करोड़ों निवेशकों के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए थी, वह भी निवेशकों की तबाही के लिए मुख दर्शक बनी हुई है। सुब्रत राय सहारापुर में भी मनमानी करते चले आए और आज भी मनमानी कर रहे हैं, परंतु ऐसा लग रहा है शासन सत्ता कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण प्रदान किए हुए हैं। सहारा निवेशकों का भुगतान कराया जाए, सुब्रत राय सहारा की परिसंपत्तियों को जब्त किया जाए, धोखाधड़ी 420 झूठे आश्वासनों एवं प्रलोभन देकर जमा कराए गए धन की वापसी न होने के कारण उनके प्रबंधन पर मुकदमा लिखने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देश किया जाए। अरे भैया, कौन निर्देश करेगा? वही जिसने करोड़ों रुपया सहारा इंडिया से ले लिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। सब कुछ यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, निवेशक बर्बाद हो चुके हैं। और बात अगर इनके कार्यकर्ताओं की करें तो कार्यकर्ताओं में इस वक्त आए दिन आप देख रहे होंगे आत्महत्याओं का तांडव चल रहा है। और 15,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर यानी कि इंडिया के अंदर सहारा के एजेंट खुदकुशी कर चुके हैं, और दर्जनों को तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं। ये हालात बना रखे हैं सरकार ने। सरकार चुप है क्योंकि करोड़ों रुपया सरकार इनसे ले चुकी है। कब? 2014 से पहले। तो दोस्तों आज अपनी वफादारी यहाँ पर शासन प्रशासन सत्ता सब दिखाते नज़र आ रहे हैं। गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। भगवान है, देर है, अंधेर नहीं है। कभी तो सुबह होगी, कभी तो निवेशकों को पैसा मिलेगा। कब मिलेगा? उनकी नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी के भी बच्चों को मिलेगा। जब भी मिलेगा, मिलेगा ज़रूर मिलेगा। हम संगठित हैं, संगठित रहेंगे, धरने करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।